नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खबर दिनभर और मैं हूं आपके साथ आयुषी नेगी। सीधी लाइव तस्वीरें आपको दिखाते हैं सहारनपुर से, जहां रैली को संबोधित कर रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। आपका एक वोट, जनता जनार्दन का एक वोट देश की तकदीर और तस्वीर को बदलने में कैसे निर्णायक साबित हो सकती है। 2014 उसका टर्निंग प्वाइंट है और 2014 के बाद लगातार देश के अंदर जो परिवर्तन हुए हैं यह भी उसका आधार है। और आज इसीलिए एक वोट हमें जाति के नाम पर नहीं, संप्रदाय के आधार पर नहीं, तुष्टीकरण के आधार पर नहीं, किसी भी प्रकार के वाद के आधार पर नहीं, हमें तो केवल विकसित भारत की संकल्पना के लिए आने वाली पीढ़ी का भविष्य उज्जवल हो सके, आने वाली पीढ़ी के भविष्य को हम आगे बढ़ा सकें, इसके लिए हमारे पास एक करिश्माई नेतृत्व के रूप में मोदी जी का यशस्वी नेतृत्व हम सबके पास है और हम उनके नेतृत्व में विकसित भारत की संकल्पना को साकार होते हुए देखेंगे। इस विश्वास के साथ 2024 के 18वीं लोकसभा चुनाव के लिए पूरे देश से सिले का आवाज आ रही है, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम एक ही आवाज है और वह आवाज है कि फिर एक बार अब की बार तो यह आवाज के साथ हम सबको जुड़ जाना है। और बहनों भाइयों, इसका आधार बनेगा एक एक मतदाता को मतदान केंद्र पर ले जाने का, एक एक मतदाता को मतदान केंद्र में ले जाने का। क्या आप लेकर के जाएंगे? मोदी जी को इस बात के लिए आश्वस्त करिए कि आप लोग लेकर के जाएंगे, कोई लापरवाही तो नहीं करेंगे। यही बात कहते हुए मैं एक बार फिर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का सहारनपुर की इस पावन धरा पर आप सबकी ओर से, सहारनपुर वासियों की ओर से हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। तो उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सहारनपुर में है, कुछ देर बाद प्रधानमंत्री को आप सुनेंगे। पाक में घुसकर आतंकियों को मारा, इन तमाम बातों का जिक्र सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में किया। किस तरीके से भारत लगातार विकास कर रहा है, दुनिया भर में भारत का नाम ऊंचाइयों पर पहुंचाया है, किस तरीके से योगदान रहा है उनकी सरकार का, इसके बारे में भी उन्होंने बात की। और उत्तर प्रदेश में किस तरीके से काम किया जा रहा है, क्या विजन है, इसके बारे में भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपनी बात रखी। सहारनपुर पश्चिमी यूपी को साधने की पूरी तैयारी है और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह दूसरा उत्तर प्रदेश का दौरा। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।